पूर्व सांसद सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर एमपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। जीतू पटवारी ने कहा कि सुरेश पचौरी को कांग्रेस ने पूरा मान और सम्मान दिया, वो कुछ सोच कर ही बीजेपी में गए होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पिछले 5 साल में बीजेपी में गए हैं वो सभी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। पार्टी को जो मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ मिला था, सर्वश्रेष्ठ। 4 बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में, और भी कई कमेटियों में नहीं बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए, इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। क्यों लिया, क्या लिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं आग्रह करता हूं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे पहले जितने लोग गए 90% बीजेपी में जाने के बाद एक दिन की हार फूल माला पहनी उन्होंने। और कल आएगी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, छत्तीसगढ़ का हम जिक्र कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैच का बयान भी आया कल, बाकी बचे 5 प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। बाकी बचे जो 5 नाम है उनका ऐलान कर दिया जाएगा, सहमति बन चुकी है। कल सीएसी की बैठक के बाद ये नाम आएंगे, मेरे चुनाव लड़ने पर हाईकमान फैसला करेगा, ये भी दीपक बैज ने कहा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहली सूची जारी हो गई है और 5 नाम अभी और बचे हैं, कब तक वो नाम आ जाएंगे? संभवतः कल दूसरी सीईसी का मीटिंग है और जो हमारे 5 नाम बाकी हैं 5 लोकसभा में, वो संभवतः कल के सीईसी में फाइनल हो जाएगा। काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं सर, और इस आपके ऊपर जो है काफ़ी फोकस है कि दीपक बैज लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और हर बार जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो इसी मुस्कुराहट के पीछे आप बहुत चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब तो चूंकि कल नाम आने ही वाला है, तो देखिए अब तो कल नाम आ जाएगा तो सवाल नहीं है, पूरा प्रदेश देखेगी। नंबर एक सवाल दीपक बैज का लड़ने और नहीं लड़ने का नहीं है, सवाल है हम देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, देश की युवाओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा विज़न क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी आएगा कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और यह है कि कल हम चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द सूची आ जाए, और जो बाकी शेष 5 नाम भी है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई संशय नहीं है, लगभग पूरे नाम क्लियर है, बस सीईसी का मुहर लगना है, कल मुहर लग जाएगा तो वो नाम भी क्लियर हो जाएंगे। अरुण साहू कह रहे हैं कि सब हारे हुए जो चेहरे हैं उन पर दाव लगा रहे हैं इसका। देखिए चुनाव में कोई जीतना हारना सवाल ये नहीं है, सवाल है मुद्दे की, सवाल है देश की, सवाल है संघर्ष का। क्या भारतीय जनता पार्टी जहां 50-52 से क्या कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर घमासान लगातार जारी है, जहां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अवसरवादी लोगों के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस से अपने ही कार्यकर्ता संभाले नहीं जा रहे, इसीलिए कांग्रेस बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कचोरी समोसे जो आज तक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस पार्टी ने, जिनको अनेकों बार राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, ऐसे कचोरी समोसे अगर कांग्रेस पार्टी से जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात विधायक संजय शुक्ला जी की रही हो, जिनका पूरा परिवार, जिनके पिताजी ने अनेकों बार चुनाव लड़ा, जिनके भाई ने चुनाव लड़ा, जो विधायकी के लिए जो परिवार तरसता रहा, उस परिवार को पहली बार विधायकी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, जो भेड़ के वेश में भेड़िए हैं, जो अवसरवादी हैं। जब कोई कांग्रेस छोड़ देता है तो कांग्रेस अपनी असलियत बताती है। क्या कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों की जो तलाश करी उसमें बिकाऊ टिकाऊ देख रही है? क्या अपने कार्यकर्ताओं को बिकाऊ टिकाऊ मानती है? वो बिकाऊ मानती है क्या? वो भ्रष्टाचारी मानती है? हम तो कांग्रेस को शुरू से भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो भ्रष्टाचारी है। कार्यकर्ता उनसे आज ही जो तंग आ चुका है, और वो राष्ट्रवाद और भारत की अस्मिता, भारत के विकास और भारत के गौरव के साथ है, इसलिए वो छोड़ के आ रहे हैं।